इंदौर में बनेगा पौधरोपण का रिकॉर्ड कार्यक्रम, कैलाश विजयवर्गीय करेंगे ये खास आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके लिए जोरदार से तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को हमेशा कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम नगर भोज की तैयारी में जुटी है। उनकी टीम शहर को बढ़ती गर्मी से बचाने के लिए जुलाई में 51 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जहां कैलाश जी और रमेश जी का नाम आता है, उस जगह भोजन भंडारे तो होते ही रहते हैं। उन्होंने कहा, शामिल हो जाएं और परिवार सहित इसमें शामिल होने के बाद पहुंचे और पौधे लगाएं, पिकनिक मनाएं। पौधारोपण में केंद्रीय गृह मंत्री होंगे शामिल। इंदौर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। हालांकि वह 7 जुलाई को आ रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं कि अमित शाह को 14 जुलाई को बुलाया जाए। 14 जुलाई पौधारोपण का बनेगा रिकॉर्ड। इस दिन अमित शाह को बुलाने की वजह यह है कि 14 जुलाई को इंदौर में पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनेगा और एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रोग्राम में घोषणा की है कि पौधारोपण के बाद वहां पर इंदौर के स्वादिष्ट भोजन का भी लोग आनंद उठा पाएंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में 10 लाख लोग होंगे शामिल। कार्यक्रम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैलाश जी और रमेश जी का कार्यक्रम हो और भंडारा ना हो, या तो हो ही नहीं सकता। जहां पर भी कैलाश जी और रमेश जी का कार्यक्रम होता है, वहां भंडारा होता ही है। इसलिए आप लोग भी परिवार के संग आइए और यहाँ आकर पिकनिक मनाइए। कैलाश विजयवर्गीय की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पौधारोपण अभियान से जोड़ा जाए। इसलिए पौधारोपण वाले दिन भोजन की व्यवस्था की गई है। एक अनुमान के मुताबिक 7 जुलाई और 14 जुलाई को 10 लाख से ज्यादा लोग इस नगर भोज में शामिल हो सकते हैं। विजयवर्गीय पहले भी कर चुके हैं नगर भोज, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें नगर भोजन का आयोजन किया गया था। इस समय भी यहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने खाना खाया था।